कि अच्छा काम करोगे अपना माँ पापा का नाम आएगा, देसी लोगों के लिए हौज और पहाड़ी लोगों के लिए तलो। यहाँ से हमें ले जानी है राशन। एक दो साल पहले ये नहर बनी थी, तब यहाँ पर टमाटर की तरह गोल हैं, लेकिन इनका कलर है पीला। जब से हमने यहाँ पर छोड़ा है, आपका भी जरूर मन होगा यहाँ आने का। आपको जय माता। हमने मेहरगांव पीछे छोड़ लिया है और आज हम जाएंगे यहाँ पर। हमारी बड़ी जी मेरी मम्मी के साथ बातें कर रही है और ऊपर इनकी हो रही है मीटिंग यहाँ पर मेहरगांव वालों की। और यहाँ पर पांडव नृत्य होता है, तो यहाँ पर मेहरगांव में आकर हमें आज ये देखने को मिला। हमारे गांव में तो है ही नहीं। जय हो माँ मठियाना की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को जीव भरी का आशीर्वाद। आशा करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बिल्कुल आप लोगों के सामने बिल्कुल ठीक ही हूँ। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्यूट पहाड़ नीतू राणा के यूट्यूब परिवार में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह की ताजी सी गुड मॉर्निंग में और अपने घर आंगन से। तो भाई दोस्तों, अभी मैं हूँ अपने गांव के बगल में, यानी कि जहाँ पर पंदेरा धेड़ा बोलते हैं वहाँ पर हूँ। और जो पीछे गांव दिख रहा है ये है मेहरगांव। तो आज मेरा मेहरगांव में कुछ काम पड़ गया है और मैं और मेरी मम्मी जी वहीं जा रहे हैं मेहरगांव में। तो आज मेहरगांव का नज़ारा भी आप लोगों को दिखा दे लेते हैं, क्योंकि वहाँ तो धूप चली भी गई है। देखो भाई, हल्की सी धूप रह गई है, लेकिन वहीं से होकर चलना है हमें नीचे, अपने जो शेरा वगैरह होते हैं वहाँ चलना है। तो आप भी जुड़े रहे हमारे ब्लॉग के साथ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर है नारंगी का पेड़ और इस पे बहुत ही ज़्यादा नारंगी आ रखी है। हेलो, तो यहाँ पर मेहरगांव वाली दीदी जी लगी है काम पर। काम करना तुम? अच्छा, मकान लगी हम। अच्छा, अरे से हेलो 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 दोस्तों, देख लीजिए मेहरगांव में रास्ता कितना साफ है और एकदम मस्त लग रहा है। इसमें पाइप भी लगे हुए हैं नीचे पर, और मेहरगांव में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे से लेकर पीछे भी देख लो भाई, बहुत ही मस्त रास्ता बना हुआ है। और चलते हैं नीचे गांव की साइड। ये देखो भाई, हम गांव में पहुँचने ही वाले हैं। ये रहे भाई मेहरगांव वालों के घर। नीचे पे लोग धूप भी सेक रहे हैं उधर पे, ये देख लो भाई। और यहाँ से देखो ठीक सोंडा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे केले का पेड़ भी है, उस पर केले भी लगे हुए हैं। खाने का मन भी रवि कर रहा है, पर क्या करे। दोस्तों, लगभग आज 2-3 साल बाद आई हूँ मेहरगांव में मैं। पहले हम लोग यहाँ आते थे अपने खेती बाड़ी की वजह से, यहाँ से गोबर ले जाते थे, लेकिन आज इस रास्ते से आई हूँ तो एक भी जगह पे मुझे गोबर नहीं दिखा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो इतना चेंज हो गया है, बड़ी बड़ी मकाने हैं लोगों की यहाँ पर, और रास्ता तो पूरा सीमेंट का बना हुआ है। पहले यहाँ बहुत ही ज़्यादा गंदगी रहती थी, लेकिन अब देखो लोगों ने बिल्कुल मस्त बना दिया है भाई। यहाँ पर ये बिनसर देवता जी का मंदिर है, जय हो बिनसर देवता की। और देखो भाई, यहाँ पर ये लोग कीर्तन वगैरह करते हैं, तो ऊपर से उन्होंने मतलब इसमें पूरा टीन साइड बना रखा है ताकि बारिश में इनको दिक्कत ना हो। बहुत ही सुविधाएं यहाँ पर हैं। नमस्ते, ठीक छे? अच्छा, और यहाँ पर हमारी बड़ी जी मेरी मम्मी के साथ बातें कर रही हैं। और इधर इस रास्ते से हमें चलना है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मैच वगैरह खेल रहे हैं। और बड्डी की देख लो भाई, एक भैंस है, बकरी है, दो बैल है, और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर है खोली, जिसे हम मतलब जैसे यहाँ पर पांडव नृत्य होता है, तो यहाँ पर इन लोगों ने बहुत ही अच्छा कर लिया है। यहाँ पर लोग धूप सेकने के लिए बैठे हुए हैं और ऊपर इनकी हो रही है मीटिंग यहाँ पर मेहरगांव वालों की। छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, तो मम्मी चली गई वहाँ पर उनके साथ बातें करने के लिए। और इसी रास्ते से होकर हमें चलना है। आपको सादर प्रणाम। अच्छा, बाय कर दो। बाय।
जाकर मेरे आंखें हकादक रह गई। तो ये बोलते हैं जब सुविधाएं होते हैं तो सारा काम होता है। यहाँ पर इनकी सड़क, जो इनके गांव की जो सड़क है, इतनी नज़दीक है कि ये मतलब इनका घर यहीं पर है। तो भाई सड़क आई, सड़क की वजह से लोगों ने अपने गाँव में इतना सुविधाएँ लाए कि क्या ये बताओ। और एक हमारा गाँव है कि वहाँ कुछ भी सुविधाएँ नहीं है भाई। बहुत ही अच्छा मतलब किया हुआ लोगों ने, रास्ते से लेकर जो पानी की डिग्गियाँ होती हैं वहाँ से लेकर जो पंचायती भवन होता है और जो वहाँ पर बिंसा देवता का जो मंदिर भी है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से उस मंदिर को सजाया हुआ है। हमने मेहरगांव पीछे छोड़ लिया है और आज हम जाएंगे किसी खास जगह, यानी कि जहाँ मेरा बचपन भी वहाँ गुजरा। देखो वहाँ पे एक छोटा सा घर दिख रहा होगा, वो हमारा ही घर है और मेरे दादा दादी लोग वहीं रहते थे। तो हम जा रहे हैं वहाँ क्योंकि हमने खेती तो किसी और को दे दी है और उन्हीं को बताने जा रहे हैं कि कहाँ पर हमारी खेती है, कहाँ पर हमारा घास है, जो वाड़ा बिट्टा हम बोलते हैं पहाड़ में कि वाड़ा बिट्टा दिखाना, तो वहीं दिखाने जा रहे हैं। वो लोग आगे चले गए नीचे पर और मैं पीछे, मैं तो मेहरगांव देखकर एकदम हकादक रह गई भाई। यहाँ पर जो आप लोग खेत देख रहे होंगे, ये वाला और उधर वाला और उधर वाला, यानी कि दो तीन खेत हमारे थे यहाँ पर, अब हमने किसी और को दे दिए हैं वो खेत और उन्होंने मतलब यहाँ पर जो कांटे वगैरह है उनको काट के रखा है। पर पहले मैं आती थी अकेले यहाँ पर भीमल के लिए, खड़ी के लिए। देखो भाई ये पेड़ भी हमारा है और ये पेड़ भी आज मुझे पहचान रहे होंगे, क्यूट पार्टन, यानी कि हमारी मालकिन आ गई आज हमारे खेत में। तो अभी मुझे चलना है नीचे, वो देखो भाई जहाँ हरियाली दिख रही है वहाँ पहुँचना है मुझे अभी। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो नई नहर बन गई है और साथ ही साथ यहाँ पर जो नया हौज बोलते हैं हम, जिसे नहीं पहाड़ में जिसे हम भौर बोलते हैं, वो बन गया है। और साथ ही साथ पहले यहाँ पर रोपाई नहीं होती थी क्योंकि यहाँ नहर भी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर नहर भी आ गई है और रोपाई भी होगी। तो ये सारे हमारे गाँव वालों के खेत हैं, तो यहाँ पर मैं आऊँगी रोपाई करने। यहाँ भी आप लोग, यहाँ का ब्लॉग भी आप लोग ज़रूर देखेंगे मुझे पता है। और अभी मैं जा रही हूँ उधर उस सरसों वाले खेत में जहाँ पर एकदम हरियाली और पीली पीली छाई हुई है सरसों। देख लो भाई दोस्तों, मैं आ रही हूँ सरसों के खेत में। वाह वाह वाह, क्या नज़ारा है यहाँ का। इस नज़ारे के बारे में मैं जितनी तारीफ करूँ उतना ही कम है। देख लो भाई, ये सारे हमारे गांव वालों के खेत हैं, पूरी मतलब पीली 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 छाई हुई है यहाँ पर। यहाँ का नज़ारा तो दिखने लायक है भाई। देख लो भाई, आपका भी ज़रूर मन होगा यहाँ आने का इस सरसों वाले खेत में। अभी मैं गदेरा पर हूँ और मम्मी और भाभी जी वहाँ ऊपर पे हैं और यहाँ से देखो भाई, आय हाय। तो भाई दोस्तों, गदेरे में जो ये बना हुआ यहाँ पर हौज, इससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ लोगों को। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आता है सबसे बड़ा गदेरा। वैसे तो हमारे यहाँ पर छोटे वगैरह गदेरे तो लाखों हैं, सॉरी लाखों नहीं है, हज़ारों हैं, हज़ारों भी नहीं है, होंगे हज़ारों भी ज़रूर, पर यह सबसे बड़ा मतलब सारे गदेरे मिलकर इस बड़े वाले गदेरे को बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी बालों आ रखी है यहाँ पर और इसी बालों से लोगों ने ऊपर पर वहाँ पर वो जो नया वाला हौज है, छोटा वाला नहर, वो बनाई है। तो भाई यहाँ का नज़ारा मेरे जाने के बाद, यानी कि जब से हमने यहाँ पर छोड़ा है, यहाँ पर छोड़ने के बाद यहाँ का नज़ारा एकदम दिखने लायक हो गया भाई। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये लाल लाल, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे ये है अनार, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसे खाते हैं हमारे यहाँ जो गोणी बंदर होते हैं, जो लंगूर वगैरह होते हैं, वो खाते हैं इनको, उनका मनपसंद फल है ये। देख लो भाई लाल लाल। और यहाँ पर जो आपको ये पीले पीले फल दिख रहे हैं, बिल्कुल टमाटर की तरह गोल हैं लेकिन इनका कलर है पीला। तो ये पता किसके काम आते हैं? ये आते हैं जो हमारी भैंस वगैरह जब बीमार हो जाती हैं तो उनके लिए ये बहुत ही सेहतमंद होता है। इस पे कांटे भी बहुत ही भयंकर वाले हैं। देख लो भाई, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ छिपी हैं हमारे पहाड़ों में। ये
वाला हमारा दूसरा खेत है, इसे हम माटी के नीचे वाला यहाँ यानी कि यहाँ ऊपर पे माटी है, माटी जिसे हम मतलब एक देवता से भी बढ़कर मानते हैं वही वाली माटी है ऊपर वाले खेत में। और जब ये नहर बनी थी दोस्तों, यानी कि 1-2 साल पहले ये नहर बनी थी, तब यहाँ पर मैं भी अपने गाँव से काम के लिए यानी कि दिहाड़ी के लिए आती थी। कम से कम मैंने 1 महीने यहाँ पर काम किया, तब मैं मतलब ठीक ठाक थी, एकदम पतली थी, सारा काम कर लेती थी और जल्द से जहाँ भी बोलो वहाँ चली जाती थी। लेकिन अब तो गए, लेकिन यहाँ पर मैंने भी 1 महीना काम किया है, खूब पैसे कमाए मैंने वहाँ यहाँ पर यहाँ के रोज़गार में। तो भाई दोस्तों, कुछ तभी बोलते हैं कि अच्छा काम करोगे अपना माँ पापा का नाम आएगा, बिल्कुल। और यहाँ पर जो चाचा का पोली हाउस है, इस पे चाचा कृषक हैं हरेंद्र सिंह जी, और पुत्र जिनका मतलब जिन मेरे दादाजी का नाम है यहाँ पर श्रीजीत सिंह, जो कि ग्राम मादगांव विकास खंड जखोली, और यहाँ पर मतलब जो भी है लागत वगैरह सारे सुमाड़ी वगैरह जो भी लिखा है। और भाई इन्होंने अभी पोली हाउस में लगा रखा है ताला, तो इसके अंदर तो मैं जा नहीं सकती। और इसके अंदर यहाँ यहाँ पर है लहसुन से लेकर धनिया वगैरह लगा रखा है इन्होंने पूरा इसके अंदर। लेकिन एक टाइम पर गई थी मैं इसके अंदर, तो इतना गर्म हो रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। अभी भी जाने का मूड है, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है ताला। वैसे अभी मैं हूँ गदेरे में। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले हमारे रोपाई जो खेतों में होती थी, तो हमने यहाँ पर बहुत ही बड़ा हौज यानी कि देसी लोगों के लिए हौज और पहाड़ी लोगों के लिए तलो, तलो जो पहाड़ी होंगे तो वो तो समझ जाएंगे, लेकिन हौज बना रखा था यहाँ बड़ा सा। और जैसे रोपाई करके आते थे यहाँ पर स्नान करते थे इस वाले हौज पर। अरे यार क्या यादें थी, आज यहाँ आकर सारी यादें ताज़ा हो गई और यहाँ से घर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा मेरा। अभी हम सड़क पर हैं और सड़क पर आ गए हैं, तो यहाँ से हमें ले जानी है राशन। तो मम्मी वहाँ पर राशन भर रही है और यहाँ पर तो ये लोग पता नहीं कहाँ के हैं। तो भाई अब यहाँ से चलेंगे हम डायरेक्टली घर की ओर।